आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक जाति का उदाहरण है, या फिर बात करें योजक जाति का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, आता है जो पॉलीपंख है, दूसरा ऑप्शन है डोडो पक्षी, तीसरा है समुद्री खरपतवार, चौथा ऑप्शन है टायरेनोसॉरस रेक्स। तो देखिए हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यानी कि देखिए पहले ऑप्शन के बारे में यानी कि पॉलीपंख के बारे में बात करें, तो देखिए पॉलीपंख हम किसको बोलते हैं, ऐसे पक्षी जैसे कि आप लोग कोई बर्ड देखते होंगे या फिर हेन वगैरह देखते होंगे, तो इसके ऊपर कुछ यानी कि इसके सिर के ऊपर कुछ इस तरीके से मोर है, तो सिर के ऊपर इस तरीके से कुछ विभिन्न कलर के यानी कि बाल टाइप यानी कि या फिर बोला जाए कुछ दिखता है हरा हरा कलर में, मोर वगैरह के ऊपर हो गए यानी कि जिसे पीकॉक बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पीकॉक बोला जाता है, ठीक है, पीकॉक यानी कि मोर होता है। उसके बाद अगर हम हेन की बात करें तो हेन में किस तरीके से दिखता है, तो हेन में हमारा यानी कि देखिए ठीक है, हेन यानी कि मुर्गी होता है। हेन में कुछ इस तरीके जैसे इसका अगर हम बात करें सिर हो गया, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से यानी कि कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो इसे यानी कि हम क्या बोलते हैं, योजक यानी कि योजक जाति के उदाहरण है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पॉलीपंख बोलते हैं, ठीक है। और डोडो पक्षी, डोडो एक प्रकार की बर्ड होती है जो कि यानी कि समुद्री होती है, या फिर यानी कि समुद्री खरपतवार, मतलब जैसे कि ये समुद्र में जो खरपतवार होते हैं यानी कि इसको जो है कौन नष्ट करता है, एनएससीएल, क्योंकि इसमें जो है एनएससीएल की मात्रा होती है, तो ये ऑटोमेटिक ही लगभग समुद्र का खरपतवार जो है नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ये हमारे जो खरपतवार होते हैं, और नमक में इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये इसको नष्ट करते हैं। और एनए पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, क्लोराइड पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ये हो गया एनएससीएल हो गया। ये हमारा टायरेनोसॉरस रेक्स, ये भी हमारी प्रकार की पक्षी की प्रजाति है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर क्या है, पॉलीपंख है, यानी कि अगर हम बात करें स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा पॉलीपंख है, यानी कि जो योजक जात का, योजक का मतलब समझिए तो जुड़ा हुआ या फिर जोड़ना, योजक का मतलब जुड़ा हुआ, जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये पॉलीपंख है जिसका एग्जाम्पल मोर हो गया, मुर्गी हो गई, ये सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारी उम्मीद से आपका आंसर मिल गया होगा। थैंक यू। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।